हेलो एवरीवन, हाय, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो आज हम बात करने वाले हैं मेरे एवरीडे मेकअप की। जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ, मैं कोई फ़ोटो पोस्ट करती हूँ, सो आप लोग हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछते हो, तुम क्या मेकअप यूज़ करती हो? व्हाई योर स्किन लुक ऑलवेज सो ग्लोई, ऑलवेज सो ड्यूई, एंड व्हाई योर फेस लुक सो परफेक्ट? लाइक इन एवरीडे योर स्किन लुक सो लाइट, आई लव योर मेकअप बेस, एंड बहुत सारे क्वेश्चन नॉट ओनली फ्रॉम यूट्यूब, इंस्टाग्राम टू। सो आज मैं ब्रेक डाउन करने वाली हूँ मेरा एवरीडे मेकअप, चाहे मैं लंच पे जा रही हूँ, चाहे मैं डेट पे जा रही हूँ, चाहे मैं मूवी के लिए जा रही हूँ, किसी के भी साथ कहीं भी जा रही हूँ, मैं हमेशा यही मेकअप पहनती हूँ, नथिंग मोर देन दैट। सो ग्रैब योर वाटर और योर कॉफ़ी एंड लेट्स स्टार्ट। सो दैट्स माय एवरीडे मेकअप पाउच। इसके अंदर वो सारे प्रोडक्ट्स हैं, ब्रशेज, मेकअप, स्किन केयर, जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ती है बेसिकली। वेल, दिस बैग इज़ सुपर क्यूट। मैं इसका लिंक नीचे डाल दूँगी तो आप चेक कर सकते हैं। इट्स फ्रॉम मीशो एंड इट्स ओनली फॉर 350 रुपीज़। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ कर, मैं अपना बेसिक स्किन केयर कर चुकी हूँ, जिसका मैंने एक लाइव भी करी थी, और तुम मेरा एवरीडे स्किन केयर देख सकते हो, मॉर्निंग टू नाइट वाला, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। समर्स आ गए हैं, अब मुझे मेरी SPF, एक मॉइस्चराइजिंग SPF चाहिए, बट एट द सेम टाइम जो वाटर प्रूफ हो। सो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी द डर्माको की 1% हाइलुरोनिक लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीम। इट्स कम विद SPF ऑफ 50 PA++++। This sunscreen infused with hyaluronic acid and vitamin E. Hyaluronic acid makes your skin plump, hydrated. Vitamin E helps to reduce sun damage. It also protects you from UV, UVB rays. It's long lasting up to 6 hours. Water resistant, super lightweight, leave no white cast. And it's designed by dermatologist, safe and effective. And my dry skin end up really loving it. You see that glow? I'm amazed. फोर वाटर रेजिस्टेंट पार्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट किया है, जिसमें मैंने वाटर के साथ इस फॉर्मूले को मिक्स करा है, तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो रहा है। इट्स एक्सट्रीमली वाटर रेजिस्टेंट, लाइक तुम लगा लोगे, बारिश हो जाएगी, बरसात हो जाएगी, तुम्हारी सनस्क्रीन कहीं नहीं जाएगी। डर्माको ऑल प्रोडक्ट्स आर फ्रेग्रेंस फ्री एंड दीज आर अवेलेबल ऑन नाइका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पर्पल। इफ़ यू बाइंग देम फ्रॉम द डर्माको साइट, डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड सोमो 2024 फॉर स्टे 20% ऑफ। The Dermaco has been empowered 15,000 plus students this year with their Young Scientist Initiative. Every time you buy from them, they will link your order to a child. They help to educate along with the Bhumi. तो फसली, अगर आपने अभी तक कोई भी इस तरीके का पफ नहीं लिया है तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। दी आर रियली रियली अमेजिंग। मैं अपना एवरीडे मेकअप ऑलमोस्ट इन्हीं पफ को यूज़ करके करती हूँ। जब मुझे बाहर जाना होता है ना, तो मैं फाउंडेशन स्किप नहीं करती, मैं फाउंडेशन ज़रूर लगाती हूँ, एंड मोस्टली ज़्यादा नहीं लगाती, लाइक बहुत ही कम फाउंडेशन लगाती हूँ, बट मैं फाउंडेशन लगाना अब ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ पहले से। मैं स्किन टिंट भी यूज़ कर लेती हूँ, फाउंडेशन भी यूज़ कर लेती हूँ, इट डिपेंड्स मुझे क्या पसंद आ रहा है उस मोमेंट पे, बट मोस्टली मैं अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशन लगा रही हूँ। फाउंडेशन से पहले प्राइमर भी लगा सकती हूँ, बट मेरी स्किन पे ज़्यादा कंसर्न नहीं है, तो मैं प्राइमर स्किप करती हूँ एंड मैं डायरेक्ट ब्लेंड करना स्टार्ट करती हूँ इस पफ की हेल्प से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये एक इवन लेयर देता है, बहुत लाइट वेट एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है आपकी स्किन पे, एंड यू सी दैट विद इन अ सेकेंड आपका फाउंडेशन आपकी स्किन पे काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ उन सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फाउंडेशन इज ऑल डन, सो यू कैन सी माय स्किन आफ्टर माय फाउंडेशन एप्लीकेशन। सो मेरी स्किन कुछ इस तरीके की लगती है। फाउंडेशन के बाद मैं हल्का सा कंसीलर लगाती हूँ, थोड़ा सा ब्राइटर शेड में, सिर्फ एक शेड ब्राइट शेड में, एंड उसके बाद ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लेती हूँ। लाइक बहुत ही कम प्रोडक्ट मैंने लिया, तो ज़्यादा प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फेस ना स्किन लुक लाइक लगना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट लगाओगे उतनी ज़्यादा आपका फेस केकी लगेगा, एंड इतने अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होगा, फेस मडी मडी हो जाएगा। सो इफ़ यू लाइक सिंगल लेयर वाला इफ़ेक्ट,
सो उसके लिए आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। यू कैन सी दैट मेरी आईज़ ब्राइट लग रही हैं, कवर लग रही हैं। मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट लेयर आउट करने की ज़रूरत नहीं है और ना मुझे वो अपनी स्किन पे अच्छा लग रहा है। सो बेसिकली मैं इस तरीके का अपना बेस करती हूँ जब भी मैं ब्लश के लिए यूज़ करती हूँ थोड़ा सा क्रीमी बेस्ड ब्लश, जो कि क्रीमी हो बट एट द सेम टाइम मैट ना हो। उसका फॉर्मूला किसी भी तरीके से मैट नहीं होना चाहिए, बिकॉज स्किन पे ना इतना बेस लगाने के बाद में आपको एक वो प्रोडक्ट चाहिए जो आपको एक जूसी स्किन जैसा इफ़ेक्ट दे एंड आपको हाइलाइटर की ज़रूरत ना पड़े एंड एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा ब्लेंडेबल हो। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है एंड एट द सेम टाइम कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है एंड इट्स अ वेरी लाइट वेट सिल्की सॉफ्ट काइंड ऑफ अ ब्लश, लुक्स रियली ब्यूटिफुल एंड इट्स अ वन डन प्रोडक्ट। लाइक आप अपने चीक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो एंड आप अपने लिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हो एंड नेवर फॉरगेट योर नोज बिकॉज बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ब्लश नोज पे। थोड़ा ज़्यादा नहीं लगाना, बस थोड़ा कम कम। मैं यहाँ पे चीक्स पे हल्का सा यहाँ पे ब्लेंड करूँगी बिकॉज यहाँ से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ब्लेंड कर दिया एंड इस तरीके के क्रीमी फॉर्मूले को हल्का सा हम थोड़ा सा कम ब्लेंड करते हैं जिससे कि जो ब्लश है वो अपनी जगह पे बैठ जाए एंड देन उसके बाद में मैं एक ब्रश लेके बस हल्का सा डस्ट ऑफ कर दूँगी, लाइक इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी नॉर्मल बिल्कुल। या दैट्स इट। ब्लश आप हल्का सा ज़्यादा भी लगा सकते हो बिकॉज हमारे फेस पे सबसे जल्दी फेड होने वाला जो प्रोडक्ट है वो ब्लश है। वेल, अब जब समर्स आ गए हैं तो मैं अपने बेस को सेट करना ज़रूर प्रेफर करती हूँ। एक पफ लेना है आपको, हल्का सा पाउडर लेना है। मैं मोस्टली लूज़ पाउडर यूज़ करना पसंद करती हूँ, उससे बेस काफ़ी अच्छे से सेट होता है एंड मैं बेक नहीं करती, बिल्कुल भी। बस लाइटली पैट करती हूँ प्रोडक्ट को बिकॉज आई हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन एंड अगर आपकी ऑयली स्किन भी है तो आप यहाँ पे कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो, लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, बट एवरी डे में बेक करना सही है। बट पहले उससे पहले सेट करो हल्का सा फेस को एंड उसके बाद में बेक करो। बट मैं सेट अपना पूरा फेस करती हूँ चाहे मेरी स्किन कितनी भी ड्राई है बिकॉज मैं नहीं चाहती मेरा बेस बिल्कुल भी डिस्टर्ब हो। कभी कभी आपकी स्किन नहीं वेदर की वजह से जो आपने बेस प्रोडक्ट लगाए हुए होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो दैट्स वाई आपको पाउडर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि वो सेट हो जाए आपकी स्किन पे। और ब्राउज बनानी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप इस तरीके का क्लियर जेल यूज़ कर सकते हो या फिर आप ब्राउ पेंसिल यूज़ कर सकते हो। मैं जेल यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि मेरी ब्राउज ठीक ठाक ब्लैक है तो इतनी ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड अभी आपको पता ही है कि पफी ब्राउज का बहुत ज़्यादा फैशन भी है, ट्रेंड भी है एंड ऑल दो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्लियर मैनेजेबल। सो दैट्स वाई सो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लेके आराम से अपनी ब्राउज को सेट कर लूँगी। पहले इन्हें नीचे की तरफ को कॉम करना है एंड देन इन्हें ऊपर की तरफ को कॉम करना है एंड देन जो आपका ये बैक है ब्रश का उससे आपको इन्हें इस तरीके से प्रेस कर लेना जिससे ये एक ही जगह पे सेट हो जाए। थोड़ा सा टाइट लेना। सो या बेसिकली दैट्स ऑल आई डू फॉर ब्राउज। अगर आपको दिख रहा होगा मेरे यहाँ पे स्पार्श एरिया बहुत ज़्यादा है, लाइक बहुत कम बाल है, बट अगर मैं चाहूँ तो मैंने फिल भी कर सकती हूँ बट मुझे ना इस तरीके से ही पसंद है, लाइक बहुत नेचुरल लुकिंग ब्राउज पसंद है तो मेरे लिए काफ़ी काम कर जाता है। बट ऑल्दो अगर मुझे कभी कभी लगता है तो मैं सिर्फ इतने एरिया में हल्का सा ब्लैक कलर का मस्कारा लगा लेती हूँ जो हल्का सा ड्राई हो रहा हो। मेरे बाल बहुत ज़्यादा ब्लैक लगते हैं एंड काफ़ी अच्छी ब्राउ लगती है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपको अपनी आईज़ किस तरीके से अपलिफ्ट करनी है और बेसिक से इन्हें ग्लैम कैटेगरी में कैसे लाना है, लाइक एवरीडे ग्लैम में। उसके लिए सबसे पहले आपको लेनी है ब्राउन पेंसिल, लाइक अ डार्क ब्राउन पेंसिल एंड इस तरीके से लाइक अपनी आंखों को नीचे रखना है मिरर के सामने
हैंड बिल्कुल स्ट्रेट, लाइक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जहाँ पे ये जॉइन होता है आँखों का, इस तरीके से ऐसे। एंड देन उसके बाद में एक विंग क्रिएट करना है। डोंट वरी, इट्स ऑल कम टुगेदर, डोंट वरी, ओके। एंड देन उसके बाद में आपको लेना अपना ब्लैक काजल एंड जस्ट अप्लाई बस यहाँ पे। इस तरीके से लाइन बना लेनी है, ओके, लाइक अ रेडियंट इफेक्ट के लिए। एंड देन उसके बाद में आपको लेना आपका ब्रश जिस पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा एंड जस्ट स्टार्टिंग नॉर्मली ब्लेंडिंग इनवर्ड्स, नॉट आउटवर्ड्स, ओके। सो पहले इनवर्ड्स ब्लेंड करना है एंड देन उसके बाद में आँखों को ओपन करना है एंड देन हल्का सा आउटवर्ड्स ब्लेंड करना है इस तरीके से एंड उसे हल्का सा इस तरीके से ब्रश आउट करना है। सो दोनों आईज में डिफरेंस देख सकते हो, बट ये आप देखोगे यहाँ पे भी शेडो दिख रही है। सो इसे बस डार्क रखेंगे हम, इस तरीके से क्लीन कर लेंगे। आप यहाँ पे मिसाला वाटर भी यूज़ कर सकते हो, कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं सिर्फ नॉर्मली ऐसे क्लीन कर लेंगे। या बेसिकली दैट्स इट। इस तरीके से आपकी आँखों को ना थोड़ा लॉन्ग इफेक्ट दे रही है, बट एट द सेम टाइम जब आप मस्कारा लगाओगे सो दिस ऑल लुक्स रियली ब्यूटिफुल। यू सी दैट, इस गिव यू लाइक फुल स्लैश टाइप ऑफ इफेक्ट जो कि डे में रात में हर जगह अच्छा लगता है एंड आपकी आईज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। एट द सेम टाइम इट्स लाइक अ लिटिल यूनिक वे टू डू योर आईज। एंड अगर आपको डो लाइक इफेक्ट चाहिए, डोंट फॉरगेट टू यूज़ योर मस्कारा इन योर लोअर लैशेज, लाइक इट जस्ट प्रोवाइड यू डो लाइक इफेक्ट एंड योर आईज लुक सो मच गुड, लाइक सो मच बेटर। यू सी दैट। सो नाउ इट्स टाइम टू डू माई लिप्स। सो वेल एवरी डे के लिए है क्योंकि मुझे थोड़े लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट वाले लिप्स चाहिए होते हैं। सो मैं लिप लाइनर के लिए भी सिर्फ लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। सो मैंने लिया है यहाँ पे एक ब्राउन कलर की लिपस्टिक जिससे मैं अपने लिप्स को लाइन करूँगी। बट एक लिपस्टिक से काम किसका चलता है। सो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मेरी फेवरेट लिपस्टिक जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं सबसे ज़्यादा इसे पहनती हूँ। ये मुझे लगता है मेरी थर्ड है जो कि मैंने थर्ड बार परचेज करी है सेम शेड। सो सी दैट, सो प्रिटी एंड लुक सो प्रिटी। एंड उसके बाद में मैं नॉर्मली अपना टिश्यू लेके जो एक्सेस लिपस्टिक होगी उसे मैं इस पर ट्रेस कर दूंगी। ज़्यादा नहीं है बट तो ट्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि आपके लिप्स पे पैची ना लगे लिपस्टिक। सो बेसिकली दैट्स द फाइनल लुक।
and I hope you guys liked it. It's a very simple basic makeup routine जो मैं हमेशा बाहर जाने पर करती हूँ, but yes guys, कभी कभी product अलग हो जाते हैं, जैसे कि कभी peach blush पहना है तो कभी pink पहना है, पर basically application यही होती है, bronzer, contour, baking and eyeliner, ये चीज़ें मैं नहीं करती हूँ because पता नहीं क्यों everyday makeup में ये मेरे face के साथ या मेरी जिस तरीके की makeup preference है उसके साथ नहीं जाती हैं. So basically मेरा base होता है बिल्कुल skin look like and I'm wearing sometimes bold lips, sometimes nude and basically eyes के लिए तो बस मैं यही करती हूँ, like a foxy kind of a straight eyeliner effect जो कि मेरी eyes को काफ़ी सुंदर दिखाता है. And yeah, that's it. And I hope you like this. If you like this, don't forget to like, share, subscribe and comment down below. And इस तरीके की request करते रहो, मैं और ज़्यादा content बनाती रहूँगी. So thank you so much and bye. See you in another video.